श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक विधान बताऊंगा आप लोगों को। ये विधान उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि साधना को बहुत समय नहीं दे पाते हैं, जिनके पास पंच पूजा का सामान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को भी भैरव पूजा करनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए भी भैरव जी की पूजा का उपाय दिया हुआ है, जिसको हम लोग भैरव मानस पूजा कहते हैं। पहले भी आपको मैंने बताया था कि मानस पूजा जो आम पूजा है उससे कहीं शक्तिशाली मानी जाती है। मतलब क्या होता है मानस पूजा, कि आप मन से पूजा कर रहे हो, सामग्री से नहीं। मतलब मटेरियलिज्म का इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मन में आप मैनिफेस्ट करते हो अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन से कि भैरवनाथ जी को मैं ये सामग्री चढ़ा रहा हूँ। इसमें शिव मानस पूजा के बारे में मैंने आपको बताया था कि शिव मानस पूजा कैसे करते हैं। तो शिव मानस पूजा जिनके पास है, शिव मानस पूजा आप सर्च करना, रत्न कल्पितम आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे। वहां पर पशुपते आता है, इसमें आता है भैरव हृदय कल्पित गृहधाम। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी वो बताता हूँ वो विधान जो कि एक आम जिनका जीवन शैली बहुत व्यस्त है ऐसे व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट में भैरव जी की पूजा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होता है, भैरव जी की पूजा में एक अगर आप अघोर पंथ में हैं या तंत्र मार्ग में, तो स्नान ध्यान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गृहस्थों को चाहिए कि वो स्नान ध्यान करके आसन लगा करके भैरव जी का ध्यान करें। ठीक है, और आप जब भी भैरव जी की पूजा करेंगे तो आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, क्योंकि भैरव जी दक्षिणामुखी हैं, तो वो जब दक्षिण देखेंगे तो आप नॉर्थ देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ बैठ करके उसके बाद भैरव जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद पंच पूजा करेंगे। ठीक है, तो पंच पूजा के 5 मंत्र हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला मंत्र है ओम लम पृथिव्या त्वमकं गंधं परिकल्पयामि। ओम लम, बीज इसका होगा लम, पृथिव्या मतलब पृथ्वी, त्वमकं तुम्हें, गंधं मतलब चंदन, परिकल्पयामि अर्पित करता हूँ। ठीक है, इसमें पृथिव्या है, वो मत लिखना, जो ज्यादा हिंदी जानते हैं वो पृथिव्या कर लेंगे, व्या नहीं है, व्या है। ओम लम पृथिव्या त्वमकं गंधं परिकल्पयामि, मतलब हे भैरव देव, मैं पृथ्वी रूप गंध मतलब चंदन आपको अर्पित करता हूँ। और मन में ऐसा मानेंगे कि भैरव देवता को हम चंदन अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, फिर ओम हुम आकाश सत्मकम पुष्पम परी कल्पयामि। ओम हुम, हुम बीज मंत्र, आकाश सतकम पुष्पम परी कल्पयामि, मतलब हे दुष्ट दमन रुद्र, रुद्र के दुष्ट दमन अवतार, मैं आकाश रूप में पुष्प आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो गंध और पुष्प का अर्पण इन दोनों मंत्रों से हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मन में आपका चलते रहे कि भैरव कि जो भी आप मूर्ति की साधना करते हैं वो भैरव बटुक भैरव की तस्वीर हो, वो जैसे अभी स्क्रीन पे चल रहे हैं उज्जैन वाले काल भैरव हो, वो बनारस वाले काल भैरव हो, वो रांची वाले काल भैरव हो, वो काठमांडू वाले काल भैरव हो, तो ये जो 4 प्रमुख काल भैरव है जिसका भी आपको मन में ध्यान हो, उसको ध्यान करते हुए मन में ऐसा सोचना है कि आप ये तत्व चढ़ा रहे हो। जैसे चंदन जब समर्पित किया गंध तो वो समर्पित कर दिया, जब पुष्प समर्पित किया तो वो आप अपने हाथ से समर्पित कर रहे हो, ये इमेजिनेशन साथ में चलनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे साधकों को देखा है और साथ में एक्सपीरियंस की अनुभूति किया है कि जब वो मानस हवन करते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है,
जब वो मानस हवन करते हैं ना, तो आपके कमरे में जो हवन का एक सुगंध होता है वो फैल जाता है, सिर्फ उनके मानस हवन करने से। और ऐसे दूर स्थान पर बैठ के वो करते हैं जहाँ आप बोल भी नहीं सकते कि आसपास में कोई घर होगा जहाँ पे कोई हवन कर रहा होगा, है ना। तो इतना स्ट्रांग आपका इंटेंशन होना चाहिए इस पूजा के लिए। आपको कोई सामग्री नहीं लग रही है, आपको बस क्या लग रहा है, इंटेंशन। और इंटेंशन ही मैनिफेस्टेशन में बदलता है, ईश्वर है। फिर तीसरा, ओम यम वाच वाक्तमकम धूपम परिकल्पयामी, मतलब हे रुद्र अवतार भैरव, मैं वायु देव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। मतलब गूगल का धूप सोच लेना, कांसे के बर्तन में आप भैरव जी को दिखा रहे हो। फिर ओम रम वन्यात्मकम दीपम दृश्यामी, मतलब अग्नि देव के रूप में मैं आपको दीपक प्रदान कर रहा हूँ, है ना। फिर पांचवा, ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेद्यामी, तो हे भैरवनाथ जी, मैं नैवेद्य रूप में अमृत आपको निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें भी शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप गंध मतलब चंदन सोचेंगे तो चंदन आप अर्पित करते हैं, ठीक है। जब पुष्प आप चढ़ाते हैं तो पुष्प आप अर्पित करते हैं। जब आप धूप दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं धूप को प्रदान किया जाता है देवता को, ठीक है। जब आप दीप दिखाते हैं तो दीप को प्रदान किया जाता है देवता को। और जब आप नवेद देते हैं तो नवेद का निवेदन होता है, ठीक है, कि आप ये नवेद ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। और फिर छठा, ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोचारम समर्पयामी, मतलब हे भैरवनाथ, हे भैरव महाराज, जितना तरह का पूजा होता है संसार में सभी उपचार को आपके चरण में मैं निवेदन करता हूँ, समर्पित करता हूँ, ठीक है। तो ये भैरव जी का जो है वो प्रारंभिक मानस पूजा होता है। इतना भी अगर आप करके ब्रह्म मंत्र का जाप कर ले तो 108 बार ब्रह्म मंत्र का जाप कर ले तो मान लो कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है बिना किसी मटेरियल सामान के, ठीक है। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा समय है वो भैरव मानस पूजा का जाप इसके बाद कर लेंगे। भैरव मानस पूजा जो है वो शिव मानस पूजा से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि दोनों रुद्र अवतार हैं, ठीक है। तो मैं वो पढ़ के आप लोगों को सुनाते रहूं। आपके पास जो मानस पूजा है वो अभी गूगल पे सर्च कर लो, किताब है तो उसमें देख लो, और जहाँ जहाँ अंतर है उसको चेंज कर लो। रत्नय कल्पित मासनम हिमजलई स्नानम दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे भैरव हृदय कल्पितम गृह्यताम। तो यहाँ पे भैरव आ जाते हैं, ठीक है। सौवर्णे रत्न खंड रचित पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविदम पयोधियुक्तम रंभा फलम पानकम शाकानाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचित भक्ताया प्रभु स्वीकुरु छत्रम चामर यो युगम जनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरि मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविदा हेतत मस्तमयः संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणां प्रभु। ये दो संज्ञा कॉमन है। आत्मा त्वं भैरव देवः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोप भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वागिरो यत्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं भैरव देव तवाराधनम्, ठीक है। तो दो जगह लास्ट स्टैंजा में अंतर है। और अंत में करचरण कृतं वा कायजं गरमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा
सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणावधे श्री भैरव देवः। ठीक है, तो ये है, इसमें जहाँ जहाँ अंतर है उसको करके जिसके पास समय है वो कर सकते हैं। ये अगर आप दोनों कर लेते हैं, दोनों मिला करके आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इतना करना ही भैरव देवता की पूजा आप लोगों को उत्तम फलदायक होगा। बाकी जिनके पास समय है वो दीप बैठा करके, पहले मैंने बताया है क्या विधान करना चाहिए, और मंत्र जाप भैरव देवता के मंत्र का आप लोगों को करना है। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो प्रारंभिक विधान है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ साधना के। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और उसमें रुद्रनाथ HCM को सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ आपको www.agotantrahasya.com वेबसाइट पे भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। भैरव देवता आप सभी को सुरक्षित रखे, ये मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।